लेट्स स्टार्ट बेटा। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू विशिष्ट आईएएस एकेडमी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू टॉपिक्स। आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड द इंडेक्स। आई एम गोइंग टू ट्राई दिस न्यू टाइप ऑफ स्क्रीन। सो वी विल स्टार्ट विथ 29th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी CUP 29। COP 29 ऑल्सो नोन एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्लाइमेट चेंज को लेके, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके ये मीटिंग जो है हर साल अलग अलग कंट्रीज में ऑर्गेनाइज होती है। लास्ट जो थी ये दुबई में थी और इस साल नवंबर में इट इज गोइंग टू हेल्ड ऑन अजरबैजान। और अजरबैजान वो कंट्री है जहाँ पर इंडिया का जो सपोर्टर है, द कंट्री हुम इंडिया सपोर्ट्स, दैट इज आर्मेनिया। और आर्मेनिया को रिसेंटली इंडिया ने अपनी पिजाका मिसाइल बेची है। एंड देर इज पॉसिबिलिटी कि इस साल आर्मानिया अजरबैजान का ये जो है हो सकता है, देर इज पॉसिबिलिटी कि इसका जो मैप में से क्वेश्चन है वो आ जाए। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल कि जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन में या कोई इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं तो हमेशा मैप साथ में रख के देखा करो और आर्मानिया अजरबैजान की जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं वो प्लस इसके साथ कौन सा सी लगता है, कौन सी बाउंड्री लगती है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं और इनकी लोकेशन क्या है, तो इसको एक बार ठीक से देख लिया करो। सो इस बार COP 28 जो थी ये दुबई में हुई थी, अभी COP 29 जो है कन्वेंशन ऑफ पार्टीज क्लाइमेट चेंज को लेके या एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज जो भी हैं उससे रिलेटेड ये जो मीटिंग होगी अगले साल या इसी साल सॉरी 24 के अंदर नवंबर में अजरबैजान में होगी, मिडल ईस्ट में ये कंट्री पड़ती है। अब इसको मिडल ईस्ट कहो या फिर ये ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है, जो पुराना जो USSR था उसमें से निकली हुई ये कंट्री है। अजरबैजान इज सेट टू होल्ड दिस ईयर यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 29। द कंट्री एम्स टू प्रिवेंट जियोपॉलिटिकल टेंशन फॉर अफेक्टिंग द डिस्कशंस। सो यहाँ पर कंट्री में जो मेन टारगेट है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है उसको लगता है कि ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कम होनी चाहिए और ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन से कहीं COP 29 जो हो अफेक्ट ना हो जाए। द अपकमिंग COP 29 कन्वेंशन ऑफ पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज शेड्यूल्ड टू नवंबर 24 विल फोकस ऑन प्रमोटिंग पीस एंड ट्रूस टू अलाउ कंट्रीज टू कंसंट्रेट ऑन क्लाइमेट सॉल्यूशंस एमिडस्ट ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स। बेटा याद रखना, देयर इज पॉसिबिलिटी कि यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चंस पूछती है कि अगली मीटिंग जो है कहाँ होने वाली है और अभी हुई नहीं है। जैसे 2007 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि 2006 में शायद 6 या 7 में, आई एम बिट कंफ्यूज्ड, कि 6 और 7 में क्वेश्चन पूछा था कि म्यांमार उस टाइम पर कैपिटल प्रपोज्ड थी कि म्यांमार की जो नेक्स्ट कैपिटल है नेपाय दे, उस टाइम पर नई कैपिटल बनाई थी उन्होंने, कि नेक्स्ट कैपिटल कौन सी होगी। देयर इज पॉसिबिलिटी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार जो भी स्टूडेंट्स पढ़ के जाएंगे वो COP 28 पढ़ के जाएंगे, 29 के बारे में उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। देयर इज पॉसिबिलिटी कि यूपी आपसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि COP 29 कहाँ पे होने वाला है, और या फिर क्वेश्चन ये पूछ सकता है COP 29 अजरबैजान में होने वाला, उसकी सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। ठीक, तो इस तरह से यूपीएससी का जो पैटर्न अगर आप उसको ठीक से पकड़ते हो ना तो क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, समझ जाते हैं यूपीएससी ये पूछेगा। तो यूपीएससी की नेचर के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन हो सकता है कि COP 29 कहाँ होगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट या सारे स्टूडेंट्स ही COP 28 पढ़ के जा रहे होंगे, उसके जो फीचर्स हैं फंक्शंस हैं। तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये हो सकता है कि COP 29 का जो प्रोग्राम है वो क्या है, टारगेट क्या है। तो व्हाट इज टुडेज आर्टिकल, क्या क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ओवरव्यू करेंगे हम लोग, अपकमिंग COP 29 ट्रूस प्रपोजल, ट्रूस प्रपोजल होता है रोकना किसी चीज को, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP एनुअल यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज मीटिंग है, यूनाइटेड नेशन UNCCC कहते हैं इसको, तो एनुअल यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट मीटिंग एस्टेब्लिश्ड एट 1992 रियो अर्थ समिट वेयर 154 कंट्रीज साइंड द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC एस्टेब्लिश्ड इन 1992 रियो अर्थ समिट के अंदर रियो डी जेनेरियो में, यानी रियो डी जेनेरियो शायद ब्राजील में है, रियो डी जेनेरियो में इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है, तो वहां से डिसाइड होता है कि 150 कंट्रीज इसके अंदर मेंबर थे, तो इसके अंदर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क बनता है ऑन क्लाइमेट चेंज। तो एम टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन टू प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम, कुल मिला के यही ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो है वो कम करना है। इनिशियली जो भी गैसेस हम लोग एसी या
रेफ्रिजरेटर्स में यूज करते थे, वो धीरे धीरे करके वो गैसेस प्रोहिबिट कर दी, और अभी जो है नई रिसेंट गैस चल रही है जो R32 है और A410R है शायद, और एक R32 एक A410, कुछ कंपनीज के जो एसीज हैं A410 यूज करते हैं, ज्यादातर कंपनीज R32 यूज करती हैं, और धीरे धीरे करके A410 इसको भी बैन कर देंगे क्योंकि R32 इससे ज्यादा बेटर है, और आने वाले टाइम के अंदर R32 को कोई और अच्छा सब्सिट्यूट आ जाएगा तो फिर उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। इस मीन्स एसीज में नॉर्मली अब जो लेटेस्ट एसीज आ रहे हैं उसमें R32 गैस ही यूज होती है, A410 या R410 गैस जो है अब इसका यूजेज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और कंपैरेटिवली वो ग्रीन हाउस इमिशन ज्यादा करती है। देन एंटर्ड इनटू फोर्स 2 years लेटर विद 198 पार्टीज नाउ सिग्नेटरीज ऑफ कन्वेंशन। फर्स्ट सीओपी हेल्ड इन बर्लिन, सीओपी इमर्ज फ्रॉम द बिलीफ ब्रीफ ऑफ द पावर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स टू टैकल एनवायरमेंटल इश्यूज रीइंफोर्स्ड बाय द सक्सेस ऑफ 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड 1991 यूएस कैनेडा एग्रीमेंट ऑन एसिड रेन। सो एंटर्ड इनटू फोर्स 2 years लेटर 1991-98 पार्टीज इसके अंदर, बाद में इसके अंदर मेंबर्स और जुड़ जाते हैं, इसके अंदर 198 मेंबर्स हो जाते हैं। सीओपी इमर्ज फ्रॉम द ब्रीफ इन पावर ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट टैकल एनवायरमेंट इशू री इन्फोर्समेंट ऑफ द सक्सेस ऑफ 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस होता है। देन उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस होता है, देन उसके बाद 1991 में यूएस कैनेडा एग्रीमेंट ऑन एसिड रेन जो है वो साइन होता है, यूएस कैनेडा एग्रीमेंट ऑन एसिड रेन, और एसिड रेन हमें पता है कि ये एनवायरमेंट की वजह से जो है वो एसिड रेन डेवलप होती है। उसके बाद हिस्टोरिकल माइलस्टोन, फर्स्ट सीओपी हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी 1995, फोकस ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। फर्स्ट सीओपी बर्लिन में होता है जर्मनी में 1995 में, फोकस ऑन इंप्लीमेंटिंग ऑफ UNFCCC। तो क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्टेड इन क्योटो जापान ड्यूरिंग स्कोप 3 प्लेस्ड ऑब्लिगेशन ऑन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज टू कट ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो लास्ट में नेक्स्ट उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, हम जब भी हम लोग इससे रिलेटेड एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज को टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो हम लोग उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जापान की क्या सिटी है क्योटो, वहां पर ये प्रोटोकॉल डेवलप होता है, उसके अंदर ऑब्लिगेशन ऑन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज टू कट ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो अब मेन फोकस ये था कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं उनको अपना ग्रीन हाउस इमिशन जो है उसको कम करना है। नाउ इसमें एक डिस्प्यूट का इशू है इंडिया और वेस्ट के अंदर, इंडिया चाइना और वेस्ट में। इंडिया और चाइना सेज दैट वी जस्ट हैव स्टार्टेड अवर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वी जस्ट हैव स्टार्टेड अवर इंडस्ट्रियल ग्रोथ राइट नाउ, और हमसे कई सौ साल पहले इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से उनकी ग्रोथ रजिस्टर हुई थी, उसके बाद दे बिकम इंडस्ट्रियल कंट्रीज एंड ड्यू टू देयर इंडस्ट्रीज दे हैव रूल्ड द वर्ल्ड। तो नाउ वी जस्ट हैव स्टार्टेड अवर जर्नी, आप हमारे ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं कर सकते जो आप अमेरिका और यूरोप पर पहले लगा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कार्बन मिशन के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल, ग्लोबल वार्मिंग के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक बार एनवायरमेंट में आ जाने के बाद अराउंड 26 ईयर्स तक एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव करती रहती है। तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ इमिशन, और इसके लिए अमेरिका और जो इंग्लैंड है या वेस्टर्न यूरोप है वो रिस्पॉन्सिबल है, जहां जहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आज से 200-300 साल पहले आई थी। हम लोगों ने अभी अपनी जर्नी स्टार्ट की है, अमेरिका जैसी रिच कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज जो है दे कैन डेवलप दोज इक्विपमेंट्स जो कार्बन एमिशन को कम करेंगे, नए स्टैंडर्ड्स लेके आ सकते हैं, वो कोल जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको बैन कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर मेजरली ये जो जो इलेक्ट्रिसिटी है ये थर्मल एनर्जी से बनती है, तो हम लोगों के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज मत करो, ग्रेजुअली हम लोग भी आप ही की तरह पार्टिसिपेट करके हम भी ग्रेजुअली कार्बन एमिशन को कम करेंगे। और उसका एक बड़ा सीरियस इम्पैक्ट है कि इंडिया ने अपने यहाँ पर जो बेसल नॉर्म 6 है उसको इम्प्लीमेंट कराया है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पर सॉरी बेसल 6 नहीं जो भारत 6 जो है इसको इम्प्लीमेंट कराया है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे कार्बन मिशन जो है कारों में कम हो गया है, और इंडियन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं, उसके साथ साथ हाइब्रिड व्हीकल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडीज दे रही है। तो इट मीन्स हम भी बहुत सीरियस हैं आपको लेके, बट आप हमारे ऊपर चीज़ें इम्पोज करके किसी भी कंडीशन में आप हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अफेक्ट नहीं कर सकते,
और ग्रेजुअली हम लोग ये कहते हैं कि आप हमारे ऊपर को बाइंडिंग मत लगाओ, हम 20-25 साल के अंदर अंदर हम लोग अपना कार्बन इमिशन कम कर लेंगे, बट इनिशियली दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज रिड्यूस कार्बन इमिशन फ्रॉम योर इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम योर एरियाज, देन ग्रेजुअली वी विल अडेप्ट इट बट नॉट विद रिस्ट्रिक्शन, कि अभी हम लोग आपको कि आज ही कर दो ये इम्पॉसिबल है, हम लोग अभी नहीं कर सकते, वी विल टेक टाइम। सो कुछ हद तक इंडिया और चाइना एक लाइन पर आते हैं, पर धीरे धीरे फिर चाइना उसके साथ एग्री होता चला जाता है, क्योंकि चाइना हमारा कंपिटिटर भी है, प्लस उसके पास इंडस्ट्रियल ग्रोथ उसके हमसे ज्यादा बेटर है, बट ग्रेजुअली इसके ऊपर हम लोग एग्री हो जाएंगे। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, क्योटो से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट है, COP21 कहते हैं, अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी अडॉप्टेड इन 2015 बाय 196 पार्टीज, एम्स टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, सपोर्ट कंट्रीज इन डीलिंग विद क्लाइमेट इंपैक्ट एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसके अंदर ये डिसाइड होता है कि हम लोग जो ग्लोबल टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसको 2 डिग्री सेल्सियस हमें डिक्रीज करना है, और उसके साथ साथ जो जो कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करेंगी, फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, सो दैट दे कैन रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन। तो उसके बाद देन उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज, द अपकमिंग COP29 एंड ट्रूस प्रपोजल अजरबैजान एज होस्ट, अजरबैजान विल लेड COP29 बिल्डिंग ऑन द एजेंडा सेट इन COP28 इन दुबई। की पॉइंट्स इंक्लूड ट्रांजिशनल वे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू अचीविंग नेट जीरो 2050, तो 2050 तक आते आते हमें अपना कार्बन एमिशन कम करके फॉसिल फ्यूल्स के यूजेज को बंद कर देना। फॉसिल फ्यूल्स मीन्स पेट्रोलियम, डीजल, उससे जुड़े हुए जो भी प्रोडक्ट हैं या फिर कोल वगैरह। And the conference will aim to consensus in addressing the climate crisis, emphasizing the urgency of keeping global temperature for rising more than 1.5 degree Celsius below the pre-industrial level. मतलब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, उस लेवल पर हम लोगों को अपना जो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जो हमारा जो कार्बन इमिशन लेवल है, हम लोग कम करके इसको वहां तक ले जाएंगे जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक ले जाने का टारगेट है। इनिशियली हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस कम करने की कोशिश करेंगे, एंड इट विल पॉसिबल, और अगर सारी कंट्रीज अगर सीरियसली इसके ऊपर काम करेंगे तो ये अचीवेबल है। बट यू कैन इमेजिन कि हर कंट्री की अपनी अपनी जरूरतें हैं, हर कंपनी की अपनी अपनी वीकनेसेस हैं। तो हमारे यहाँ भी अभी इतने सोफिस्टिकेटेड हम लोग सिस्टम्स डेवलप नहीं कर सकते, या इस तरह के हम लोग नई तरह के जो फ्यूल्स हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, बट स्टिल इंडिया इज वर्किंग वेरी हार्ड। उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो वी जस्ट हैव अडॉप्टेड, के जो सोलर मिशन प्लान है, प्राइम मिनिस्टर सूर्या पीएम जो प्रोग्राम आता है, उसके अंदर हम लोगों ने सोलर पैनल को लेकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी दी है, इट मीन्स हम लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ वी आर फोकसिंग, एंड सस्टेनेबल जो इक्विपमेंट्स हैं, सस्टेनेबल जो सिस्टम्स हैं, उनको अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ग्रेजुअली वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। सो सिग्निफिकेंट इशू टू एड्रेस द अनफुलफिलमेंट ऑफ 2009, हाँ जी, सिग्निफिकेंट इशू टू एड्रेस द अनफुलफिल्ड 2009 कमिटमेंट बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू प्रोवाइड 100 बिलियन एनुअली टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो इन्होंने प्रॉमिस तो किया था, बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग फंड्स, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको इस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर फोकस करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, एंड वी हैव सीन कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो उसको अल्टीमेटली है ना, तो वी ऑल हैव टू फेस। तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन कि इंडिया जैसी कंट्रीज दे आर सीकिंग सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द वेस्ट, कि आप हमें ये इस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट करो, हम लोग आगे चल के इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और हर लेवल के ऊपर हम काम करने की कोशिश करेंगे। और उसमें एक बड़ा फैक्टर ये है कि इंडिया में जो वेस्ट मैनेजमेंट है, इंडिया अगर उसके ऊपर काम करेगा तो बहुत फर्क पड़ेगा, और उसके लिए वी नीड फंड फॉर यूनाइटेड नेशन से अगर फंड मिलता है। रीजन उसके पीछे ये कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिथेन गैस, ये ज्यादा इमिशन करती है। अब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, शहरों के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, व्हाट वी हैव सीन कि ये जो घरों से निकलने वाला जो गार्बेज है, इसके बड़े बड़े डंप बन रहे हैं, और जो नदियों नालों से जो घर आप शहर के अंदर से जो जहां जहां से नाले क्रॉस करते हैं, यू कैन सी कि यहाँ पर जो मिथेन गैस है ना वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर बनती है, और जहां जहां पर डंप हैं हर एक सिटी के अंदर इस तरह से डंप बना हुआ है। दिल्ली में भी जो पहाड़ बने हुए हैं, पहाड़ के जो जो गार्बेज है उसके पहाड़ बने हुए हैं, उस लोग उसको लेके मजाक उड़ाते हैं, और इंटरनेट के ऊपर आपको कई सारे ऐसे मिल जाएंगे वीडियोस और इस तरह से मिले हुए कमेंट। और ये जो गार्बेज का बड़ा सा पहाड़ है, यू कैन इमेजिन कि कितनी मिथेन एवरी डे प्रोड्यूसेस ना। तो लुधियाना में जो बुढ़ा नाला है, तो ये कितनी मिथेन गैस जो है इसकी इमिशन होती है, तो अल्टीमेटली इन्वायरमेंट में जाके घुल जाती है, एंड इट इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। एंड रिसेंट डेज में वी हैव सीन के
टेम्परेचर जो है वो अराउंड 50 डिग्री टच करने लग गया है, और ये बहुत ज़्यादा है, और ह्यूमन जो है इसको इस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बट फॉर दैट या तो फिर आप उस तरह से अरेंजमेंट करो या फिर ग्रीन शील्ड डेवलप करो। टू द ट्रूस प्रपोजल्स क्लाइमेट यूनाइटली एमिड जियोग्राफिकल डिविजन, अजरबैजान प्रपोजल्स अ 2 वीक COP ट्रूस। ट्रूस मतलब ठहराव, इंस्पायर्ड बाय द ओलंपिक ट्रूस टू शील्ड द टॉक्स फ्रॉम जियोपॉलिटिकल टेंशंस। अजरबैजान अ 2 वीक COP ट्रूस है, इंस्पायर्ड बाय ओलंपिक ट्रूस। ओलंपिक ट्रूस का क्या मतलब है? जब भी पास्ट में भी मिडिवल पीरियड में जब ओलंपिक गेम्स होती थी, तो उस टाइम के ऊपर जहां पर जो भी वॉर चल रही होती थी उस वॉर को थोड़े दिनों के लिए रोक दिया जाता था, ये ओलंपिक ट्रूस था। तो यहाँ पर ये उसी तरह का COP ट्रूस लाने की बात कर रहे हैं, टू शील्ड द टॉक्स फ्रॉम जियो पोलिटिकल टेंशन। तो ये कह रहे हैं कि उस टाइम पर जियो पोलिटिकल टेंशन जो है उसको 2 हफ्ते के लिए रोक दिया जाए, जियो पोलिटिकल टेंशन जहां पर भी वॉर चल रही है उनको रोक दिया जाए, ताकि हम लोग डिस्कशन पर, सीरियस डिस्कशन पर, हम लोग इस ग्लोबल इशू के ऊपर सीरियस डिस्कशन कर सके, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए एफर्ट्स हम लोग मिलकर सब कर सके। द इनिशिएटिव एम्स टू यूनाइट कंट्रीज इन कोलैबोरेटिव एफर्ट टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। द होस्ट एम्फसाइजेस द नीड फॉर एन इंक्लूसिव अप्रोच एज क्लाइमेट क्राइसिस इज यूनिवर्सल इशू। द करंट ग्लोबल पोलिटिकल डिवाइड अकिन टू कोल्ड वॉर इरा कॉम्प्लिकेट्स एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट एक्शन। Challenges in achieving net zero. Many developing countries lack the institutional capacity and financial awareness to prepare the effective national determined contribution. तो ये दिक्कत है, बहुत सारी कंट्री के फाइनेंशियल इश्यूज हैं या फिर अवेयरनेस की कमी है। NDC is climate action plan created by countries to meet the goals of Paris Agreement, outlining how they will reduce emission, adapt to climate change and secure funding. Azerbaijan working towards the carbon neutrality by 2050. तो कार्बन न्यूट्रलिटी 2050 तक आते आते दे आर सेइंग एज वी हैव डिस्कस कि यूरोप ने डिसाइड किया है कि हम लोग 2035 तक आते आते अपने जितने थर्मल पावर प्लांट हैं हम सारे बंद कर देंगे टोटली। ये भी कह रहा है अजरबैजान हम 2050 तक आते आते मेरे यहाँ पर नेट जीरो, नेट कार्बन इमिशन होगा, जीरो कार्बन इमिशन होगा। एंड द एनडीसी, एनडीसी मीन्स नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। NDCs are climate action plans created by countries to meet the goal of Paris Agreement, outlining how they can reduce emission, adapt to the climate change, and secure funding. So Azerbaijan working towards carbon neutrality by 2050, highlighting the need of more than support and awareness to achieve this target. NDCs are crucial for reducing greenhouse gas emission and meeting 1.5 degrees Celsius target with the next submission expected by 2028. तो अल्टीमेटली न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ ये थी COP 29 जो है इट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन अजरबैजान। तो कुल मिला के न्यूज़ ये थी, बाकी उसके साथ जो ट्रूस का प्रोविजन है, ये ट्रूस वाला होते रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका क्वेश्चन आ सकता है। ट्रूस क्या है जो कोप ट्रूस से है, क्या अजरबैजान लेके आना चाहता है, व्हाट इज इट।